नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल, कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए व्रत के लिए ड्राई फ्रूट मखाने वाला दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, व्रत के लिए ड्राई फ्रूट मखाने वाला दूध कैसे बनाते हैं। व्रत के लिए ड्राई फ्रूट मखाने वाला दूध बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। दूध, एक कप मखाना, आधा कप बारीक कटा हुआ बादाम, आधा कप बारीक कटा हुआ काजू, आधा कप बारीक कटा हुआ पिस्ता, स्वादानुसार चीनी। तो चलिए ड्राई फ्रूट मखाने वाला दूध बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लीजिए। पैन में दूध डालकर इस दूध को तेज आंच पर रख दीजिए। जैसे ही दूध उबल कर पैन में ऊपर तक आ जाए तब गैस की आंच धीमी कर लीजिए और इस उबले हुए दूध में इन सभी मखानों को डालकर 2 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। देखिए 2 मिनट बाद जैसे ही मखाने डाला हुआ दूध उबल जाए तब इस दूध में स्वादानुसार चीनी डालकर दूध, मखाने और चीनी को अच्छे से हिला हिला कर 2 मिनट तक मिक्स कर लीजिए, जिससे चीनी दूध में अच्छे से घुल जाए। देखिए 2 मिनट बाद जैसे ही दूध में मखाने और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब इस मखाने वाले दूध में बारीक कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता डालकर 2 मिनट तक अच्छे से उबाल कर मिक्स कर लीजिए। दूध में डाले हुए मखाने, चीनी, बादाम, काजू, पिस्ता उबल कर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मखाने वाला दूध बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इस बनाए हुए मखाने वाले दूध को एक गिलास में निकाल लीजिए और बनाए हुए इस व्रत वाले मखाने वाले दूध पर मखाने, बादाम, काजू, पिस्ता डालकर गार्निश कर लीजिए। व्रत के लिए ड्राई फ्रूट मखाने वाला दूध बनकर तैयार हो चुका है। इस ड्राई फ्रूट मखाने वाले दूध की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको मेरी यह बनाई हुई ड्राई फ्रूट मखाने वाली दूध की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।